वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं नाज़रीन कराची के हालात के मुतालिक, और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। उनसे पूछते हैं कि ये हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं और कौन इसका जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब। वालेकुम जी। झगड़ा साहब, ये फरमाइएगा कराची के हालात बड़े खौफनाक टर्न की तरफ जा रहे हैं, हालांकि तीनों जो वहाँ की अहम हुकूमतें हैं वो इस पर अलायंस का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, ANP भी, MQM भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि तीनों जमातें इकट्ठी हैं, फिर भी कराची के हालात इस कदर खौफनाक हो रहे हैं और वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है कराची के हालात का? शुक्रिया जी। देखिये, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची में जो कुछ हो रहा है इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, और जो कीमती जाने जाया हो रही है, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, उस पे यकीन करें इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है। बात यह है कि कराची वो शहर है जिसको पाकिस्तान का दिल अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन वहां पर इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट करने का मकसद इसके अलावा और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नाम की चीज नजर ना आए, इसको गैर मुस्तकम किया जाए, इसमें अफरा तफरी का आलम हो। कराची अगर खुदा ना खास्ता अफरा तफरी के आलम में होगा, गैर मुस्तकम होगा, तो यकीन करें पाकिस्तान की तमाम मईशत, पाकिस्तान की तमाम जो इस्तेहकाम है उसका उस पर जरूर असर पड़ता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसमें बेशुमार कुवतें जो है इस वक्त बरसरे पेकार हैं, जिसमें बैरूनी कुवतें भी हैं, और उन बैरूनी कुवतों के अलाकार जो है बदकिस्मती से हमारे दरमियान भी मौजूद है। जी। अब आपने खुद फरमाया कि यहाँ पर तीन जो पार्टियां हैं वो तीनों हुकूमत का हिस्सा है, और उसके बावजूद हालात इस तरह है, और आप टीवी पे देख रहे हैं एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि अफसोस का मकाम और नहीं हो सकता कि हुकूमत में बैठे हुए एक तरफ हुकूमत के मजे लूट रहे हैं, दूसरी तरफ जो है तो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये चीज जो है ये तभी खत्म हो सकती है जब ये सब मिल बैठ कर इस मसले का हल ढूंढेंगे। हमने तो बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहसियत एक मजबूत हज़्ब इख्तलाफ के बार बार ये सजेस्ट किया है कि हमने इस मुल्क को मुस्तकम करना है, इस निजाम को मुस्तकम करना है, लेकिन अगर हमने इसको मुस्तकम करना है तो मिलके चलना पड़ेगा पूरी कौम को भी और तमाम सियासी और जमहूरी कुवतों को। सही। कि इस वक्त आपने जमहूरी निजाम के तसलसल को बरकरार रखने के लिए ये यकीनी बनाना है कि आपने जहां भी हुकूमत को तावन की जरूरत है वो होनी चाहिए, और वो हम कर रहे हैं बहसियत मजबूत अपोजिशन। सही। इंडिया अपोजिशन का जो इल्जाम है उसको मैं कभी तस्लीम नहीं करता, लेकिन मजबूत अपोजिशन की बात मैं जरूर करता हूँ कि अगर हमने इस मुल्क को मुस्तकम करना है, इसमें जमहूरी निजाम को मुस्तकम करना है, तो हमने एक मजबूत किरदार अदा करना पड़ेगा, और मजबूत किरदार अदा करने में ये हम सबका फर्ज बनता है। कराची जैसे शहर में जो इस वक्त सूरत हाल है इस पे काबू पाने के लिए अपोजिशन और हुकूमती जमातें सब मिलजुल कर इस मसले को हल कर सकते हैं। इसका ये हल नहीं है कि हम टीवी पे खड़े होकर एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाए और हुकूमत में भी बैठे रहे। अगर कोई इल्जाम लगाता है तो फिर उसको चाहिए कि उसी दिन हुकूमत से बाहर आकर इल्जाम लगाए कि जी मैंने इसलिए हुकूमत छोड़ी है क्योंकि हुकूमत की ये कमजोरियां हैं और उसकी कमजोरियों की वजह से हम इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं कि हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हालात जो है वो खराब हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। तो आप ही हुकूमत है और आप ही कह रहे हैं कि हुकूमत जिम्मेदार है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन इज कि इन्होंने ये जो है एक दूसरे के साथ जो बदनीयती का सिलसिला चल रहा है इसको खत्म करना पड़ेगा। इस मुल्क के वसी पर मफाद के लिए, इस मुल्क में जमहूरी निजाम की वसी पर मफाद के लिए इनको मिलजुल कर चलना पड़ेगा। PMLN ने हमेशा ये तजवीज भी दी है, PMLN हमेशा इसके लिए तैयार भी नजर आ रही है,
और यही वजह है कि आज हम पे इल्जाम भी लगाया जाता है कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है। ये बाकी झगड़ा सर, और बात ये मैं दोहराता हूँ, हम फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है, हम एक मजबूत अपोजिशन है। सही झगड़ा सर, ये वाकई कैसी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपके साथ भी इख्तलाफात और बयान का सिलसिला चलता रहता है, एक दूसरे के खिलाफ नश्तरजनी करते रहते हैं, और अब एमकेएम के भी आपके इल्म में है कि उनके गवर्नर ने भी इस्तीफा पेश कर दिया था सदर साहब को, लेकिन बाद में फिर अल्ताफ साहब ने इंटरफेयर किया और वो इस्तीफा वापस हुआ, रहमान मलिक साहब 9-0 गए, ये क्या हो रहा है? कोलिजन पार्टनर के साथ, इत्तेहादियों के साथ क्यों पीपल्स पार्टी के रवाबित बेहतर नहीं हो रहे? एक तो बड़ी बात यह है कि बदकिस्मती से ये सूरत हाल अगर आपको नजर आ रही है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी बहसियत हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गुड गवर्नेंस की जो बात होती है, गुड गवर्नेंस क्या, गवर्नेंस तो है ही नहीं इस मुल्क में। सही, इसीलिए कहा जाता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की चीज तो नजर ही नहीं आ रही। आप देख रहे हैं हम कराची में बार बार कहा जा रहा है कि हुकूमत नाम की चीज है ही नहीं, जब ये नहीं है दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज फेल्ड। जब गवर्नमेंट फेल हो गई है तो फिर वो इसी तरह के डंडे इस्तेमाल कर रही है कि कभी एक के साथ तो फटा, कभी दूसरे के साथ फटा। इंस्टीट्यूशन के साथ जो कंफ्रंटेशन की पॉलिसी है, इसी से आप अंदाजा करें भाई, आपने इस मुल्क को अगर चलाना है, इसमें इस्तेकाम लाना है, तो सबसे बड़ी बात जरूरी यह है कि आप इदारों को मुस्तकम करें। इदारों को मुस्तकम करेंगे, आप मुस्तकम होंगे, आपकी हुकूमत मुस्तकम होंगी। अगर हुकूमत मुस्तकम होगी तो जाहिर बात है कि फिर आपका गवर्नेंस जो है वो एक मिसाली गवर्नेंस होगी। सही, ये चीजें उन्होंने, उनकी समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, या ना समझी है या फिर कोई और एजेंडा है जिसपे, जिसका इल्जाम लगाया जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मुल्क में रैम्पेंट करप्शन के अलावा और कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। तो अगर रैम्पेंट करप्शन एजेंडा है फिर तो कभी ये मसले हल नहीं होंगे, और अगर इस मुल्क निजाम को चलाना है और इसको दुरुस्त करना है तो फिर इनको अपने एजेंडे पे गौर करना पड़ेगा। झगड़ा साहब, पहले भी आपके इल्म में है कराची में फौजी ऑपरेशन हुआ, अब एक बार फिर फौजी ऑपरेशन की कुछ लोग बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ये मसले का हल हो सकता है? ये कभी भी हमने नहीं कहा, हमने तो कभी, हम तो इस पे यकीन ही नहीं रखते। सही, मसले का हल फौजी ऑपरेशन नहीं होते, दुरुस्त, मसले का हल सियासी हल होता है। दुरुस्त, इस मुल्क में हमें जो मसले हल करने हैं वो सियासी हल जो है वो ढूंढने हैं, चाहे वो कराची है या मुल्क में आपकी दहशतगर्दी है। ये कभी भी कुव्वत के इस्तेमाल से ये मसले हल नहीं होते। ये मसले अगर आप दीर्घा मसले हल चाहते हैं और तभी हल चाहते हैं तो इसके लिए आपको सियासी सियासी रास्ते और सियासी हल ढूंढने पड़ेंगे। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा झगड़ा साहब, ये बताइएगा कि कराची के अंदर जो कहा जाता है कि मुख्तलिफ गैंग्स मौजूद हैं, माफियाज मौजूद हैं, वो कहते हैं कि पार्टियों के कंट्रोल में भी नहीं है, हालांकि उनका ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से ही है, लेकिन चूंकि वो विद इन पार्टीज इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और इतना माफिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप इस बात से किस हद तक इत्तफाक करते हैं? देखिए जी, ये तो इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है कि अगर ये इनको सपोर्ट ना होती तो वो कैसे ऑपरेट करते। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताता जाऊं कि इसमें मैं बैरूनी कुवतों को भी रूल आउट नहीं करना। सही, उनकी भी इसमें लाजमी बात है कि उनकी भी यहाँ पर सपोर्ट मौजूद है, और उस सपोर्ट के जरिए जो है वो वहां क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो इस वक्त बैरूनी कुवतों के इशारों पे काम कर रहे हैं। तो दोनों चीजें मिलकर फिर जो है इस सिचुएशन को जन्म दे रही है। सही, तो आप समझते हैं झगड़ा साहब, तीनों जमातों को इकट्ठे मिल बैठकर सियासी हल निकालना होगा, उसी सूरत में अमन हो सकता है कराची में, जब इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा। जिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जफर इकबाल झगड़ा कराची के हालात के हवाले से जिक्र कर रहे थे, उनका कहना था यकीन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त कराची की, उस पर जितना ही मातम किया जाए वो कम है, लेकिन हालात को बेहतर करना जरूरी है। ये कैसी दिलचस्प बात है कि खुद ही तीनों लोग हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और फिर कह रहे हैं कि इन तमाम मामला की जिम्मेदार हुकूमत है, अगर हुकूमत भी जिम्मेदार है तो फिर ये मौजूदा हुकूमत क्यों मौजूद है? नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, माजी में भी होती रही है, लेकिन इस तमाम मौजूदा सूरत हाल के अंदर चूंकि वो कहीं मंजर पर नजर नहीं आ रहे, इस वजह से भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध कहाँ पर है, वो इतने बड़े इशू के अंदर जब इतना पूरा कराची लहूलुहान है, वहां पर खून की नदियां बहाई जा रही हैं, एक एक दिन के अंदर 11 जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं, शेरशाह के अंदर उन मासूम लोगों का क्या गुनाह था जिनको इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, इन था ये सोचना की बात है। इस पर मजीद बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहिए व्यू पॉइंट।